आज की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव गंभीर। आप हमको किसी ऐप पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, हाँ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरों के नोटिस आपके मोबाइल में पहले पहुंचे। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। देखिए जी, आज हम किसान एकता संघ के मंडल भर के पदाधिकारी कोरोना के समय को देखते हुए जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि पूरे मंडल के अंदर बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को इतनी समस्या उठानी पड़ रही है, उसके भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा किसान दुखी है कि कहीं पर लो वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज पूरा नहीं होने की वजह से किसानों की ट्यूबवेल नहीं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से सारी किसानों की, अन्नदाता की सारी खेतियां सूख रही हैं और वो बर्बादी के कगार पर है। दूसरा, कई स्थानों पर इनकी लापरवाही ऐसी देखने को मिली है, मैं बताता हूँ, चारों जिलों के अंदर लगभग 8 से 10 किसान परिवार, किसान हमारे भाई, इनकी लापरवाही की वजह से बिजली का करंट लगने से वो अपनी जिंदगी हार गए, करंट लगने से उनकी मौत हो गई। उनको कई बार हमने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से, जो जिस जिले का संबंधित अधिकारी था, उनसे बात की, प्रशासन से बात की, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को कोई भी लाभ, जो किसान मुआवजा होता है या बिजली विभाग की लापरवाही से, बिजली विभाग के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम चीफ साहब से ये कहने आए हैं, या तो इन समस्याओं का निराकरण किया जाए, वरना अन्नदाता अगर आक्रोशित होगा और कोई घटना दुर्घटना होगी उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी आपकी होगी। जिंदाबाद किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता संघ जिंदाबाद।